खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के नगर मुंगरा बादशाहपुर से है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और बड़ी आसानी से तमाम बड़ी घटनाओं को इन अपराधियों द्वारा आए दिन अंजाम दिया जा रहा है, आज उसी कड़ी में नेशनल हाईवे 31 पर थाना पवारा से महज 1 किलोमीटर पहले सथरिया की तरफ मेन रोड पर छोटे से कस्बे में सोने चांदी के व्यापारी अमरनाथ स्वर्णकार, जिसके फर्म का नाम एस ज्वेलर्स है, दिन दहाड़े सुबह लगभग 11:30 बजे 4 अपराधी तमंचा लहराते हुए उनके दुकान के अंदर घुसकर सोने चांदी के सारे सामान उठा ले गए। दुकानदार को दहशत में लाने के लिए 1 राउंड फायरिंग भी किया गया बदमाशों द्वारा, जिसकी वजह से दुकानदार अमरनाथ सेठ बुरी तरीके से भयभीत हो गए और फिर बदमाश जाते जाते हवा में फायरिंग करते हुए अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से फरार हो गए और जौनपुर की तरफ बदमाश चले गए। लूट की घटना को अंजाम देने वाले सभी अपराधी हेलमेट लगाए हुए थे, जिस कारण उनमें से किसी भी व्यक्ति को कोई पहचान न सका। हालांकि दुकानदार ने अपनी दुकान के अंदर CCTV कैमरा भी लगाया हुआ है और लूट की घटना के समय दुकान पर कई सारे ग्राहक भी मौजूद थे, जिसकी वजह से सभी बिल्कुल डर और सहम गए थे। जिस समय लूट की घटना को अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया, उस समय दुकानदार अमरनाथ का लड़का भी मौजूद था और ग्राहकों को सोने चांदी के सामान दिखा रहा था। वहीं पूरी लूट की इस घटना को अंजाम देने के साथ लुटेरों ने दुकानदार अमरनाथ के गले से चेन भी खींच लिया। जिस समय लूट की ये घटना घटित हुई, उस समय सभी दुकानें खुली हुई थीं और सभी दुकानों पर काफ़ी संख्या में ग्राहक भी मौजूद थे। हालांकि मौके पर पुलिस तत्काल पहुंच गई, लेकिन शायद तब तक अपराधी अपना काम करके काफ़ी दूर तक निकल गए थे। घटना की जानकारी होते ही पुलिस अधीक्षक जौनपुर तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए व मौके का जायज़ा लिया। पुलिस प्रशासन द्वारा इस घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया, जहां घटनास्थल पर थोड़ी ही देर बाद IG रेंज वाराणसी भी पहुंच गए व पूरी घटना की जानकारी प्राप्त किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब पुलिस इतनी मुस्तैद है तो फिर इन अपराधियों का मनोबल क्यों इतना बढ़ा हुआ है कि दिन दहाड़े इस प्रकार लूट की घटना को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं ये अपराधी, और वो भी तब जब उक्त क्षेत्र से थाना मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। ये पूरी वारदात उत्तर प्रदेश सरकार व UP पुलिस की कार्यशैली पर और सरकार की तमाम व्यवस्थाओं पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। PLL न्यूज के लिए मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर से राम कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। सर ये कह रहे थे कि 11 बजे रोड की घटना को अंजाम कुछ बदमाशों ने दिया है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे ये बाजार में इनका सोने चांदी का काम है, इसमें ये लोग बता रहे हैं कि 3-4 लोग आए थे और इनके यहाँ से लूटपाट करके चले गए हैं और बता रहे लोग 2 मिनट इनके पास आए हैं अंदर, ये उसका फुटेज भी देख लिया गया है और इसमें टीम लगा दी गई है, SHG भी लगाई गई है और जल्दी हम इसे वर्कआउट भी करेंगे और कुछ पुलिस मिलना शुरू होगा, पता चला शुरू होगा तो जल्दी इसे वर्कआउट करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ कस्बे में चल करके आए हुए हैं, रहे हैं काफ़ी पुलिस की टीम है, बहुत जल्द से जल्द करने के बाद अधीक्षक ने कही है। आपको बता दें कि तरीके से फिर बाहर ये घटना को अंजाम दिया गया है, उसी घटना को लेकर के तरीके से दुकानदार ने बताया है लगभग 10 लाख रुपये के दूर की घटना हुई है और 11 बजकर क्या मामला सर? आज सुबह ये अमरनाथ सेठ हैं, दुकान पे थे, काफ़ी ग्राहक भी बैठे हुए थे। उस वक्त 4 बदमाश आए मोटरसाइकिल से और उन्होंने कट्टे दिखाकर सोने चांदी के आभूषण थे वो अभी उनके द्वारा बताया गया है कि करीब 150 ग्राम सोना और एक 1.5 किलो चांदी के आसपास बदमाश लेकर गए। पुलिस तत्काल मौके पर आई और लोगों ने 4 टीमों का गठन किया है और जल्दी ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा।
लगभग कितने शुरू होगी? ये करीब 8-10 लाख के आसपास, 150 ग्राम सोना और करीब 1.5 ग्राम। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस समय हम खड़े हैं पवारा मार्केट में। ये सीधे सीधे 31 की नेशनल हाईवे सड़क है, जो सीधे लखनऊ रायबरेली से चलते हुए सीधे गोरखपुर को जोड़ने वाली ये सड़क है। उसी के बीच में जौनपुर और मुगरा बादशाहपुर के बीच में ये पवारा थाना के बीच में ये मार्केट है, जहाँ पर अभी कुछ घंटे पहले ही कुछ 4 ऐसे लोग आ करके यहाँ पर, ये सोने चांदी की दुकान है, यस ज्वेलर्स के नाम से ये फर्म है, यहाँ पर घटना को अंजाम दिया है, आ करके असलाह को सटा करके और दुकानदार को लूटा गया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस तरीके से अपराध और अपराध की घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं, उसी को लेकर के कहीं कोई रोकथाम नहीं है। इतना मनोबल लोगों का ऊंचा हो गया है कि चलते हुए इस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे हैं। आइए हम आपको दुकानदार के पास ले चलते हैं, क्या उसकी जबानी है, क्या घटना हुआ है, किस तरीके की वारदात दिया है, कितने लोग आए थे, उसका सीधे साक्षात करने वाले दुकानदार से आपका परिचय कराते हैं। आइए। भैया कोई बोलेगा क्या, किसी बुलाएंगे? देखिए, उसी प्रतिष्ठान पर हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि घटना से इतना ज़्यादा दहशत में है लोग कि दुकानदारों ने इस शटर को बंद कर दिया है। मैं चाहूँगा कि हमारे साथी जरा फ्रंट से इस दुकान को दिखाए, जहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर बैठ करके सोने चांदी का व्यवसाय करते हैं और बड़े आराम से बैठे हुए थे। तब वो 11:00 पर कुछ ऐसे कथाकथित 4 लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और असलाह को सटा करके लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। आइए हम बात करते हैं जो भी दुकानदार थे। कौन दुकानदार थे भैया? आप बैठे थे, क्या नाम है आपका? अमरनाथ। इसी प्रतिष्ठान पर आप बैठे थे? इसी पर। सोने चांदी का कारोबार है आपका? सोने चांदी। घटना क्या हुआ? घटना हुई, 4 बदमाश आए और कट्टा दिखा दिए और कट्टा से फायर भी किया उन्होंने। हाँ, फायर भी किया। अच्छा। तो सब सामान इकट्ठा करके, मतलब अंदर से भी निकाल लिए, हाँ। जो सामान बाहर रखा था, हाँ, हाँ। उसको भी ले लिए, बाहर भी ले गए सब। और जो सारा सामान आपका लेके चले गए? जो पाए, मतलब जो उनके हाथ में गया, अभी तो हमने सब सेटे नहीं किया, देखा नहीं भी कुछ। अभी समय तो हम ऐसे ही दहशत में हैं कि किसी तरह सांस चलती रहे। अच्छा, गोली भी मतलब फायर किया उन्होंने? बंटिस बदला। कोई हताहत नहीं हुआ? नहीं, कोई हताहत नहीं। चोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट नहीं लगी। गोली मतलब उन्होंने आतंक फैलाने के लिए उन्होंने चलाया गोली, और गोली चलने के बाद अब लोग सब एकदम अच्छा शांत हो गए। कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे? यहाँ पर 7-8 ग्राहक थे। 7-8 ग्राहक थे। हम 3 दुकानदार बैठे। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? हाँ, लगा हुआ सीसीटीवी। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जैसा कि मैं चाहूंगा कि हमारे पत्रकार साथी जरा दिखाएं सामने, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, ये टीवी का स्क्रीन जरा दिखा दीजिए। सारी चीजें हालांकि कैप्चर हुई है, लेकिन अब ये देखना है। अच्छा, कोई नकाब वकाब भी लगाया था उन्होंने? अच्छा, सारे लोगों ने हेलमेट लगाया हुआ था। अच्छा, कौन से साधन से थे वो लोग? सुपर स्प्लेंडर गाड़ी थी। अच्छा, आप किसी को पहचान नहीं पाए? सारे लोग हेलमेट लगाए हुए थे। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? अमरनाथ सोनकार। अच्छा, कितना मतलब क्या गया होगा, ये इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है ऐसे लोगों ने। ये जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था चल रही है, मैं आपको सीधे बाहर फिर ले चलता हूँ। देखिए, ये नेशनल हाईवे है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि थाना पवारा यहाँ से कितनी दूर पर है? 500 मीटर की दूरी पर है। 500 मीटर की दूरी पर यहाँ से थाना पंवारा पड़ता है, फिर भी इतनी बड़ी लूट की घटना को अंजाम, कैसे लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों का मनोबल इतना बुरी तरीके से बढ़ा हुआ है, जहाँ चाह रहे हैं जैसे चाह रहे हैं घटना को अंजाम देते रहे। जैसा कि हम आपको फिर से एक बार पुनः दिखाना चाहेंगे, यह यस ज्वेलर्स के नाम से है, इसके प्रोप्राइटर अमरनाथ सेठ, योगेश सेठ बंटी हैं, और ये सीधे सीधे नेशनल हाईवे 31 है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक बार पुनः बता दें कि थाना यहाँ से मात्र 0.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा है कि घटना करते हुए जरा भी भयभीत नहीं होते हैं, डरते नहीं हैं और घटना को अंजाम दे देते हैं। यहाँ पर गोली फायर भी किया गया है, हालांकि कोई हताहत नहीं है, कोई चोटिल नहीं है, कोई घटना नहीं हुई, लेकिन लूट की घटना को बहुत बुरी तरीके से अंजाम दिया है। साल भर जितनी भी इनकी व्यवस्था थी, सबको लूट के लेके चले गए हैं। हम आगे चलते हैं, सीधे आपको ले चलते हैं थाना पवारा ले चलते हैं, वहाँ पर हो सकता है कोई सक्षम अधिकारी आए हों, क्योंकि बहुत सारे पुलिस प्रशासन यहाँ पर चल करके आई थी, उनसे भी चल करके बात करते हैं कि किस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया और क्या जिम्मेदारी तय किया पुलिस प्रशासन ने और कैसे ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाएगी। धन्यवाद, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लहर।